हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबे सर फ्रॉम पिरामिड क्लासेस। मु तुम मानी नहीं आसथ रो 300 एमसीक्यू सीरीज बीडी और सीटी प्रिपेरेशन करथुबा पिला मानको पई एही सीरीज टी बहुत गुरुत्वपूर्ण रहइबो। पूर्व वर्ष बीडी साइंस और सीटी रे पढ़ीथिबा समस्त क्वेश्चन को मु गोटे पर गोटे सॉल्व करिवि प्रत्येक अल्टरनेटिव डेज रे, माने संडे, वेडनेसडे आ फ्राइडे दिन आम सका 7 AM 10 कोटी क्वेश्चन करवा। जहाँ भी डाउट रोमें क्लीअर करवा वीडियो को शेष जाए आम देखा। तेज जो मैंने बीडी और सीटी ऑनलाइन बैच रे शेड्यूल टाइम टेबुल कर पढ़ाक चाहते से मैंने तले दी डिस्क्रिप्शन पिरामिड क्लासेस आप्र लिंक को डाउनलोड करूँ, नचे तले दी नंबर में कल कर संपर्क करूँ। ताले आज चलो आम स्टार्ट करवा 10 टी क्वेश्चन आमर सीरीज्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ टू क्यूब्स एक्स एंड वाई इज 3:1 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एक्स एंड वाई। सो क्यूब्स आम जानचे कौन जे गोटे क्यूब्स कौन थाए ना वॉल्यूम थाए ए क्यूब। सो दुटा साइड देखिए एक्स आउ वाई, एक्स दे गोटे क्यूब्र 3 आ गोटाकर 1 देखिए साइड, गोटाकर साइड देखिए 3 आ गोटा साइड देखिए 1। तेल ए क्यूब मैंने यार के वॉल्यूम 3 क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 27 आउ यार वॉल्यूम के 1 क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 1। सो आंसर आमर आस 27:1। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन आस 27:1। एवं आम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा, जदि किसी भी डाउट हो तुम मैंने आउ थे वीडियो को पॉज करके देखी नब। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 14x + 15 = 0। सो व्हाट इज द रूट्स ऑफ 3x² - 14x + 15 = 0। 3x² - 14x + 15 = 0। सो ये क्वेश्चन को आम के करवा देख ना आपको फैक्टराइज करवा 3x² - 9x - 5x + 15 = 0। यहाँ तो नॉर्मल आम 15 3 45x² हवा कथा जोटा कि 9x 5x गुणीदे -9x - 5x हो 45x² आउर आडिशन हवा दरकार -14x तो -9x - 5x होगा -14x। एवं यही जगह मुझे तुमको गोटे ट्रिक कहि छुआ बेले आम मतलब पढ़ुले आम कौन कर एक्स कमन नहीं जाऊे बाकी आम सल्व करते बर्तमान कितनी नक डायरेक्ट आम एक्स रैल्यू लिखिपर के जो सैन अच्छी तार अपोजिट सैन आम लिखा। एटी एक्स पछपटे जिते कोफिसीयंट अच्छी कोफिसीयंट 9 अच्छी आम लिखा आउ एक्स स्क्वायर पछपटे जो कोफिसीयंट अच्छी आम तले लिखा। ठीक से भाया एटी माइनस अच्छी तो पॉजिटिव साइन आसो एक्स पछपटे के 5 तो आम कोफिसीयंट के 5 आउ तार एक्स स्क्वायर कोफिसीयंट को आम तले लिखा। तो आंसर आमर के 3 or 5/3 तर आंसर हम 3 or 5/3 तो यही अप्सन टी आंसर हम। एबे आम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन अच्छी, द पॉलिनोमियल एफएक्स इज इक्वल टू के तुम a0 a1x --an(x^n) व्हेयर a0 a1 --an आर इंटीजर्स इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ये कौ कंडीशन में आम प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हम जदि यहीटा दे थो तुम मानकर a0 a1 an अप टू एक वैल्यू दे थो तुम दे इंटीजर एंड तार गस आगू हो गस आगू हो मैंने यही ऑप्शन टी आमर आंसर हम तार गस आगे के दरकार गस आगू 1 होता दरकार तार गस आगे के दरकार गस आगू 1 होता दरकार। देख जीसीडी के दरकार जीसीडी 1 हवा दरकार जब जीसीडी 1 हम तेटा आंसर हम आंसर कौटा हम बीटा जीसीडी a0 --an इज इक्वल टू 1। अपर क्वेश्चन देखा आमर कौन अच्छी, इफ ए इज इक्वल टू गोटे सेट देती ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 बी डी एफ एच ए इंटरसेक्शन बी पचार तो तुम समस्त जान इंटरसेक्शन मान कौन दी जन भितर जो कमन थी कमन कौन अच्छी बी बी दी जन कमन अच्छी डी डी कमन अच्छी एफ एफ कमन अच्छी 2 4 6 भी कमन अच्छे 2 4 6 बी डी एफ प्रथम ऑप्शन टा आंसर हम तेल ए आमर आंसर हम ए इंटरसेक्शन बी रो तो आम मैंने ए आंसर हम बोली जाणीगले कहीं 2 कमन अच्छे 4 कमन अच्छी 6 कमन अच्छी आ बी दी जन पाखे अच्छी दुटा सेट्रे आ एफ भी दुटा सेट्रे अच्छी तो आम आंसर कौटा हम यहाँ आमर आंसर हम। एवं आम अपर क्वेश्चन करवा लॉग 2
8 इज इक्वल टू एक्स देन एक्स रो वैल्यू केते हबो लॉग 2 8 इज इक्वल टू एक्स देन एक्स रो वैल्यू केते हबो ना आमे कोन आमे गोटा फार्मूला सिंपली जान छे कोन जे लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू सी हेले ए टू द पावर सी इज इक्वल टू बी हुए सो ता माने एठी देखो ए जगह रे केते अछि एठी 2 अछि आ बी जगह रे केते अछि त मन करो एठी 8 अछि सेंती सी जगह रे केते अछि एक्स त ए टू द पावर सी त माने 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू मुझे लिखी 8 तमाने 2 टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू दि पावर 3 ताले जदि तमरो तळ दिटा रो वैल्यू सेम थिबो ताले ऊपर 2 दि पावर दिटा को भी इक्वल हबो ताले हम कोन लिखिबा एक्स इज इक्वल टू 3 ताले केते आंसर हबो हमरो एक्स इज इक्वल टू 3 एबे अपर क्वेश्चन देखिबा हम कोन देइ तमन कर देइ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल गोटे कांथ अछि से कांथ रे गोटे लैडर टे एंती आउ जाय के अछि कहि जे गोटे कांथरे गोटे लाडर एमती अच्छी से कहे से कांथर के डिग्री कोण ए वॉल विथ 60 डिग्री के डिग्री कोण कर 60 डिग्री कोण कर द फुट ऑफ द लाडर इज 12.2 मीटर द फुट ऑफ द लाडर इज 12.2 मीटर आउ ए फ्रॉम द वॉल से कहे वॉल रु एति दूर तुम समस्त जानते हो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ी चे सब जिन 60 डिग्री यदि थाए सामने के रूट 3 आ तले के 1 आठी के 2 ताले इथि 1 बदल रे क्वेश्चन ने केते देछि 1 बदल रे क्वेश्चन ने देछि 12.2 एबे हमहु को कोन पचारछि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर लैडर ता होछि एटा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर लैडर लेंथ केते भारीबो ना 2 पार्ट 2 पार्ट ताले केते भारीबो 12.2 * 2 व्हिच इज इक्वल टू केते हबो तुम मन कर 12.2 * 2 इज इक्वल टू 24.4 ताले आंसर केते आसीबो हमरो 24.4 बे आपर क्वेश्चन करिबा हमें The length of the two sides of a triangle are 3 and 8. Then which of the following can be the length of the third side of the triangle? तले क्वेश्चन हो केमते हमें करिबा वर्तन पे देखो जतो बेले गोटे ट्रायंगल रो रूल कोची जे तार तीनटा साइड केते हो ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी जदी गोटे ट्रायंगल थाए आ से ट्रायंगल तो हमरा तीनटा साइड थाए ए आ बी आ सी तले ए प्लस बी सब बेले बड़ो हो सी टू बी प्लस सी सबुबले बड़ हम ए टू आ सी प्लस ए सबुबले बड़ हम बी टू यदि ये कंडीशन सैटिस्फाई करुछि देन दैट कैन बी ए ट्रायंगल ठीक से हीपरी ए माइनस बी इज लेस देन सी हम आ बी माइनस सी इज लेस देन ए हम आ सी माइनस ए इज लेस देन बी हम ताहले भी जाकि सैटिस्फाई करिवो से तोर ट्रायंगल बने ताल दीटा साइड दे इज तमर 3 8 ताल 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 ताले जो भी साइड हम तृतीय साइड से 11 टू छोट हम 11 टू डेफिनेटली छोट हम से वैल्यूटा ठीक सेमती 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एबे जो भी वैल्यूटा हम से 5 टू बड़ हम तुम से वैल्यूटा ताले 11 टू छोट हम आ 5 टू बड़ हम एमती के वैल्यू कोटा अच्छी देखा 11 टू छोट 5 टू बड़ 8 हो तुम आंसर ताले क्वेश्चन आंसर के तुम मन करो 8 हम तार आंसर कारण 11 टू छोट अच्छी आ 5 टू भी तुम मन करो बड़ अच्छी क्वेश्चन टा तब देखा 8 नंबर क्वेश्चन कौन होमर दे इन ए क्लास अफ 180 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स हाव रेजिस्टर फर जाभा 120 स्टूडेंट्स हाव रेजिस्टर फर सी प्लस प्लस इफ एव्री स्टूडेंट इन द क्लास हाज रेजिस्टर फर आटलिस्ट वन अफ द टू कोर्सेस प्रत्येक पिला किसी ना किसी गोटे कोर्स जॉइन करती देन व्हाट इज द नंबर अफ स्टूडेंट्स हु हाव रेजिस्टर फर बोथ द कोर्सेस क्वेश्चन टा केमी सल्व करा देख तुम मन करो ना से कहूँ जे गोटे क्लास रे जाभा स्टूडेंट अच्छा गोटे क्लास रे तुमर सी प्लस प्लस स्टूडेंट अच्छा जाभा स्टूडेंट के 100 जन सी प्लस प्लस स्टूडेंट के 120 जन टोटल क्लास रो स्ट्रेंथ के 180 क्लास रो स्ट्रेंथ के 180 आम जाचे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एटा समस्ते सेट थ्योरी पढ़ी थी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एटा समस्ते सेट थ्योरी रे पढ़ी थी तुम मैंने आगु आम एट आगु जाचे ए यूनियन बी मान पूरापूरी पिला संख्या के 180 ए मान फास्ट जाभा जाभारे के पिला अच्छा 100 तापर बी मान कौन बी रे हूँ तुम हूँ सी प्लस रे 120 आ इंटरसेक्शन बी रे के पिला अच्छा मुझे जाणी ना तो ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट को आनीदेवी आ राइट साइड रे मु कोन रखी ए इंटरसेक्शन बी को जगहटा हम मन करो ए जगहटा होची ए इंटरसेक्शन बी माने बोथ द कोर्स के नै चिन त हम से पचार छी हमें ए जगहटा काटू छी तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू केते हबो 120 प्लस 100 केतेला टोटली 220 तादरु ए 180 टा राइट साइड को आसीले -180 जोटा केते भारीबो तमरो 40 तल आर आंसर केते हबो
40 ହେବ ଆର ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ତୁମମାନେ କରିଦେଇଛି ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲଗ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 30 ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 100? ଯଦି ଲଗ୍ 3 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହୁଏ 0.4771, ତାହେଲେ ଲଗ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 30 ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 100 ଏ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ? ଲଗ୍ 10 ୱିଥ୍ ବେସ୍ 10 ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ତା ମାନେ ଆ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଲଗ୍ 30, ଲଗ୍ 30 ମାନେ ଆ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ? ଲଗ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 10। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 10 ର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରି ଲେଖିବା, 1 ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ 10। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଲଗ୍ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲଗ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ ବି। ତାପରେ ଏଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, 2 ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, 2 log 10। ତାହେଲେ କେତେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ? ଇଏ 1, ଇଏ କେତେ? ଲଗ୍ 3 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 0.4771। ଲଗ୍ 10 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 1। 2 log 10 ମାନେ 2 × 1, 2 × 1 କେତେ ହେବ? 2। ଇଏ 1 × 3, ଇଏ 1 × 4। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ? 4.4771। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେତେ ଆସିବ? 4.4771। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ? 4.4771 ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, 4.4771। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡିଟା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଏବେ ଆପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଟପ୍ରୁ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଟପ୍ରୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇଟ୍ 60 ମିଟର, ସେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ହାଇଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 60 ମିଟର। ଫ୍ରମ୍ 2 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ସ ଆର୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ପଟରୁ ଯଦି ଦେଖୁଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ? 60 ଡିଗ୍ରୀରେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦିସ୍ 2 ପଏଣ୍ଟସ୍? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଥାଏ? 1, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଥାଏ? 1। ବେସ୍ରେ 1 ଥାଏ ଆଉ ହାଇଟ୍ ବି 1 ଥାଏ। 60 ଡିଗ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେସ୍ ଥାଏ, ତୁମର ହାଇଟ୍ ଥାଏ √3 ଆଉ ବେସ୍ ଥାଏ 1। ତାହେଲେ ଦେଖ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ √3 ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିଛି ଏଇଟା କେତେ? 60 ମିଟର ବୋଲି। ତାହେଲେ √3 ପାର୍ଟଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି 60 ମିଟର। ତାହେଲେ 1 ପାର୍ଟ କେତେ ହେବ? 60/√3, ଯେଉଁଟା ହେବ କେତେ? 20√3। ସେମିତି ଏଠି 1 ପାର୍ଟ ଦେଇଛି 60 ମିଟର 45 ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି 1 ପାର୍ଟଟା କେତେ ହେବ? 60। ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ଦୂରତା କେତେ, ଏପଟଟା 60 ହେଲା, ଏଠି 1 ପାର୍ଟ କେତେ ବାହାରିଛି ତୁମର? 20√3। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 60 + 20√3। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 60 + 20 × √3 ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି? 1.732। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? 60 + ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣିଦେବି 17 × 2 = 34, 32 × 2 = 64, ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ, ତାହେଲେ 34.64। ତାହେଲେ ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ ଆସିବ? 94.6464। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବିଟା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଏହା ହେବ। ଦେଖ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍।